नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है 11 अड्डा पे। मैं हूं शिफाली और डिस्कशन करने वाले हैं आज इंडियन लॉजिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करें भारतीय तर्कशास्त्र की या न्याय शास्त्र आप कह सकते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र विद्यालय के अंदर में वेदों के आधार पर कैटेगराइजेशन हुआ था। आस्तिक जो वेदों को स्वीकार करते थे, मतलब एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि वेद को बोला जाता था क्या, सोर्स ऑफ नॉलेज। वेदास का जो एक नाम है, वेदास तो इंग्लिश टर्म है, वेद अगर बोले तो उनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है नॉलेज। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमें मिलती है क्या, ज्ञान। तो जो लोग वेद के अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे एज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, उनको बोला गया आस्तिक। जो नहीं स्वीकार करते थे उनको बोला गया क्या, नास्तिक। अब नास्तिक और आस्तिक के अंदर में और भी सब कैटेगरीज थी। नास्तिक के अंदर में कुछ 6 स्कूल्स है, टोटल कितने स्कूल्स है, टोटल 9 स्कूल्स है। यहाँ पे स्कूल्स का मतलब किससे है, आइडियोलॉजी से है और थॉट्स से है। तो आस्तिक के अंदर में टोटल आए 6 और नास्तिक के अंदर में आए टोटल कितने, 3। तो टोटल हो गए आपके 9 स्कूल्स। और आस्तिक की अगर बात करें तो पहले आया न्याय, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, फिर वैशेषिका आए, फिर वैशेषिका आए, सांख्य आया, फिर सांख्य के बाद में आपके योग स्कूल ऑफ थॉट थे, फिर मीमांसा थी, मीमांसा जिनको आप पूर्व मीमांसा के नाम से भी जानते हो, उसके बाद में वेदांत थे, वेदांत को आप उत्तर मीमांसा के भी नाम से भी जानते हो, एक ही नाम है, उत्तर मीमांसा बोल लीजिए या वेदांत बोल लीजिए। इसके अंदर में भी आपके 3 थे, एक था आपका द्वैत, फिर उसके बाद था अद्वैत, फिर उसके बाद था आपका विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत। ठीक है, तो ये थे आपके कितने, एक ये हो गए न्याय, वैशेषिक, 3 हो गए सांख्य, चौथा हो गया आपका योग, पांचवा हो गया ये, छठा मीमांसा, फिर छठा हो गया वेदांत। तो ये टोटल कितने थे आस्तिक के अंदर में थे। नास्तिक के अंदर में भी कितने थे, नास्तिक के अंदर में आपके 3 थे। पहले थे आपका क्या, जैनिज्म की बात होती है, दूसरे हैं आपका बुद्धिज्म, एंड देन आपके तीसरे हैं चार्वाक, जिनको आप लोकायत के भी नाम से जानते हो, लोकायत, ठीक है, लोकायत के भी नाम से जानते हो। और एक आपके थे लोकायत, ये जो है ना, इसको स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म के भी नाम से जाना जाता है। आई थिंक ये येलो कलर का जो दिख रहा है, मुझे इसको हटा देना चाहिए क्या, नहीं, चलो ठीक है, ऐसे कर्सर कम से कम दिखेगा तो सही। ठीक है, तो ये इतना हमने क्या पढ़ा, वेद की जो अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे इन स्कूल्स, जो 9 स्कूल से, तो उनका डिवीजन किया गया इसके बेसिस पे। तो मैंने आपको इंडियन लॉजिक के ऊपर में ऑलरेडी 2 सेशन मैंने ले लिया है, 2 के 2 सेशन में पार्ट में बताया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर ये दोनों सेशन आपने मिस किया है तो जरूर से ये दोनों सेशन देख लेना। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ये दोनों सेशन देख लिया होगा, इसकी PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी। और इसीलिए आज 2 दिन के बाद में मैं इंडियन लॉजिक के ऊपर मैं आपको MCQs कराऊंगी। तो जो आज का MCQs होगा वो भी 2 पार्ट में होगा, 10 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगी, 10 क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगी, मतलब कल कराऊंगी। ये इसलिए क्योंकि 10 के 10 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में कराऊंगी, क्योंकि आज के सेशन में आप कुछ 2-4 चीजें नहीं जानोगे क्वेश्चन के माध्यम से। सो फटाफट एक बार आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, शेयर कर दीजिए सेशन को और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो, ये है आपका पर्टिकुलर टेलीग्राम का लिंक, यहाँ पे आपको मिल जाएगी PDF, और इसके पहले की जितने भी सेशंस हमने किए हैं उसके भी लिंक्स एंड एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बाकी ये तो आपका चैनल है ही 11 अड्डा बाई शिफाली, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को एक्सप्लोर कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। सिर्फ आप मॉक टेस्ट अगर लगाना चाहते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना चाहते हो, सिर्फ आपको क्वेश्चन अगर करना है, तो मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, आप उसको एक्सप्लोर कर लेना। एक बार आप इसको देख लो, काफी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते ही रहते हो, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना, क्योंकि तभी आपको मिलेगी नोटिफिकेशन। जो आप लोग कंप्लेन करते हो ना कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, जस्ट बिकॉज आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। बाकी टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाओगे तो जो आपने मिस किया है नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम से भी मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बिल्कुल क्रक्स वे में सेशन को करना है। तो पहला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन को देखिए, पहले कोशिश करिए खुद आंसर करने की, बाकी मैं एक्सप्लेन तो आपको करूंगी ही। क्वेश्चन में बोल रहा है, इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट द इन्वायरमेंटल वैल्यूज एज एडुकेटेड बाय आर एंसेस्टर्स, अ स्कॉलर साइट्स एग्जांपल ऑफ वेदास। सो यहां से लेकर के यहां तक आपको ये एग्जांपल दिया है, किसके बेसिस पे एग्जांपल दिया है ये देखो, द मीन्स ऑफ नॉलेज यूज्ड बाय हिम और हर इन टर्म्स ऑफ इंडियन लॉजिक विल बी कॉल्ड एज व्हाट।
मतलब अगर हमारे कोई पूर्वज हैं उनके द्वारा बताए गए पर्यावरण मूल्यों की बात हो रही है, उनको उनके प्रमाण की बात हो रही है, और एक विद्वान है जो वेदों के आधार पर उदाहरण दे रहे हैं। कौन है? एक विद्वान है जो वेदों के आधार पर उदाहरण दे रहे हैं। तो भारतीय न्याय शास्त्र के हिसाब से अगर देखें या भारतीय तर्क शास्त्र के हिसाब से देखें, तो वो जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली में किस कैटेगरी में आता है, इसके ऊपर में मैंने आपको डिटेल्ड में समझाया था। अगर आपने सेशन देखा होगा तो उसका आंसर आप दे पा रहे होंगे। तो पहला है अनुमान, दूसरा है अर्थपति, तीसरा है शब्द और चौथा है उपमान। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, शब्द। अब शब्द कैसे है, मैंने आपको जो बताया था तो शब्द में मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी। एक तो ये था कि शब्द के दो पार्ट थे, एक तो था वैदिक और दूसरा क्या था लौकिक। तो एक वर्ड था शब्द के अंदर में आप्तवाक्य। आप्तवाक्य आपने शब्द पढ़ा था, आप्तवाक्य। आप्त माने एक ऐसा पर्सन जो ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्टवर्दी पर्सन जो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो पर्सन होंगे ट्रस्टवर्दी। तो जो ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे जो बात करेंगे वेद की, उनके ऊपर में हम कभी डाउट नहीं करेंगे, उनके द्वारा बोले गए सभी शब्दों पे हम विश्वास करेंगे। ठीक है, वाक्य माने क्या होता है? सेंटेंस होता है। लौकिक की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो कि इस लोक के हैं, इस दुनिया के हैं, अगर वो 5 कंडीशन को फुलफिल करते हैं। 5 कंडीशन क्या थी? आकांक्षा था, उसके बाद में सन्निधि था, उसके बाद में तात्पर्य था। आपको याद आ रहा होगा तात्पर्य, आकांक्षा, सन्निधि, ये कुछ ऐसे मिलाकर के टोटल 5 कंडीशन थे। अगर उनको फुलफिल किया जाता है तो ही हम उनकी बात पे विश्वास करेंगे, एल्स उनकी बात पे हम विश्वास नहीं करेंगे। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या गया था कि वेदों का एग्जाम्पल लेकर के आपके ज्ञान में कोई बात लाई जा रही है या इंफॉर्मेशन लाई जा रही है। इस क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़िए क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट द इन्वायरमेंटल वैल्यूज, इन्वायरमेंटल वैल्यूज को ऑथेंटिकेट करने के लिए अगर हमारे पूर्वज एडवोकेट कर रहे हैं यानी वकालत कर रहे हैं, स्कॉलर की बात होगी और वेद की बात होगी, मतलब यहां बात हो गई किन की, यहां बात हो गई वेदास की और स्कॉलर्स की बात हो गई और नॉलेज की बात हो रही है, तो इंडियन लॉजिक यानी कि न्याय शास्त्र के अंदर में इसे क्या बोलेंगे? न्याय शास्त्र के अंदर में इसे शब्द बोलेंगे। अनुमान में हम क्या करते हैं? अनुमान के अंदर में हम कंपेरिजन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अनुमान के अंदर हम क्या करते हैं? किसी चीज का कंपेरिजन करते हैं। अर्थपत्ति के अंदर में क्या है कि गेस वर्क करते हैं। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने सेशन मेरे लिए होंगे तो। उपमान में भी क्या है? सॉरी, कंपैरिजन हम उपमान में करते हैं। अनुमान में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास में पहले से कोई अगर इंफॉर्मेशन है, इस 100 1000 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, और अगर हमारे पास में इस 100 की इंफॉर्मेशन है तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे क्या होगा? अनुमान हो जाएगा। उपमान में क्या होता है? हम कंपैरिजन करते हैं। मैंने यहां पे कंपैरिजन लिख दिया था, ये गलत है, तो ऊपर वर्ड मुझे पढ़ने में समझ में आया। उपमान में क्या है? कंपैरिजन की बात होती है। अनुमान में हम इन्फरेंस निकालने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास में थोड़ी सी नॉलेज है। अनुमान में क्या है कि अगर हमारा कंक्लूजन सही होता है तो वो हमें बिल्कुल ट्रू नॉलेज प्रोवाइड करता है। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने पीडीएफ देखी होगी तो। इसी चीज का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है, एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रूफ होता है, मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज। मीन्स ऑफ नॉलेज में क्या था? मीन्स ऑफ नॉलेज के अंदर में आपके बहुत सारी चीजें थी। आपका क्या तरीका हो सकता है नॉलेज को अर्न करने का? तो उसमें दो चीजें थी, एक तो था आपका वैलिड सोर्स, दूसरा था आपका इनवैलिड सोर्स। फटाफट से रिवीजन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। सेशन भले ही आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा हो लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए आप लोग मिस मत करिए, पूरा कंप्लीट सेशन को देखिए और पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा इसको इसमें करने की कोशिश करिए। एक बार ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। So, इसमें क्या था? वैलिड सोर्स था, इनवैलिड सोर्स था। अब वैलिड सोर्स में भी क्या थे? वैलिड सोर्स में आपके चार थे, चार आपके वैलिड सोर्स में थे। क्या था? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इनवैलिड सोर्स में क्या था? अनुपलब्धि, इसमें आपके दो थे। तो क्या था? दो थे, अनुपलब्धि थी और अर्थपत्ति थी। टोटल चार और दो मिलाकर के कितने हुए? 6। यही यहां पर लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। ये यहां से लेकर के वैलिड सोर्स है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ये दो क्या है? आपके इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये कहां से आया? ये आपका आया न्याय इपिस्टिमोलॉजी से, न्याय इपिस्टिमोलॉजी, ठीक है, मतलब न्याय आपका जो ज्ञान मीमांसा बोल लीजिए या न्याय तर्कशास्त्र बोल लीजिए, ठीक है। तो ये तो एक चीज होगी, बाकी की चीजें यहां पे वही लिखी हुई है कि वर्बल टेस्टिमोनी क्या होता है, मतलब जो शब्द होते हैं अगर बात करें
शब्द क्या होते हैं, शब्द के दो प्रकार थे इसमें, आप्त वाक्य जो मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन होंगे उनके द्वारा, जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन होंगे उनके द्वारा दिया हुआ जो स्टेटमेंट होगा उसको बोलेंगे आप्त वाक्य। अब इसमें क्या था, इसमें सेंटेंस का डेफिनेशन दिया है और इसमें वर्ड का डेफिनेशन दिया है। तो सेंटेंस माने क्या, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड मतलब क्या, जिसके पास में पोटेंट हो, मतलब सामर्थ्य हो कि अपनी मीनिंग को वो कन्वे कर सके। पावर, पावर ऑफ वर्ड में क्या है कि कन्वे इट्स मीनिंग कम्स अंडर टू एंशियंट न्याय। ठीक है, तो ये चीजें थी, कुछ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें दो प्रकार थे, वैदिक था जो मैंने आपको बताया, दूसरा था लौकिक, लौकिक को आप सेक्युलर के भी नाम से जानते हो, ये देख लेना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन गाइज। वॉट टाइप ऑफ कॉग्निशन, कॉग्निशन की बात हो रही है मतलब कि आपकी बुद्धि की बात हो रही है, आपके इंटेलिजेंस की बात हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और तब आंसर करिएगा। व्हाट टाइप ऑफ कॉग्निशन इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन यानी कि धारणा, धारणा के एम्बिट के बियॉन्ड, बियॉन्ड पूछ लिया है, बियॉन्ड मतलब परे की बात हो रही है। क्या है, अनुमति, उपमति, निर्विकल्प प्रत्यक्ष या सविकल्प प्रत्यक्ष। यहां पे धारणा परसेप्शन का मतलब प्रत्यक्ष से है, ठीक है, धारणा बोलिए या प्रत्यक्ष कहिए, ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हो सकता है कि सेशन थोड़ा सा आपको लंबा लगे, लेकिन थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे तो आप कर पाएंगे ज्यादा अच्छे तरीके से। देखिए अनुमति का मतलब क्या है, ये अनुमान से आया है, अनुमान से आया है क्या, अनुमति उपमान से आया है क्या, एक मिनट। ठीक है, तो उपमान से आया है क्या, उपमति, तो ये ध्यान रखना। अनुमति कहां से आया है, अनुमान से आया है, अनुमान से प्राप्त होने वाले ज्ञान को बोलते हैं क्या, अनुमति। मति का मतलब क्या है, अनुमिति का मतलब, यहाँ पे मति, मति का मतलब किससे है, आपकी बुद्धि से है, आपके मस्तिष्क से है, आपकी माइंड से। आप बोलते हैं ना कि इसकी इसकी तो मति ही भ्रष्ट हो गई है, तो यहां पे अनुमति की बात हो रही है। तो अनुमान से मिलने वाले ज्ञान को, अनुमान से मिलने वाले ज्ञान को क्या कहेंगे, कहेंगे अनुमति, अनुमति, ठीक। और उपमान से मिलने वाले ज्ञान को बोलेंगे उपमति। निर्विकल्प और सविकल्प तो आपका प्रत्यक्ष के आपके दो जो है वो है ही है, स्टेजेस, स्टेप्स, सॉरी टाइप्स। बताइए अब आगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए आगे देखिए, इसको समझिए। अगर हम बात करें निर्विकल्प, निर्विकल्प में भी आपको आपको नॉलेज मिलता था, आपको ज्ञान मिलता था, सविकल्प में भी आपको जो थे जो है वो ज्ञान मिलता था, और अनुमति में भी आपको और उपमति में भी ज्ञान मिलता था। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा था, कॉग्निशन, कॉग्निशन की बात हो गई थी, कॉग्निशन के बियॉन्ड कौन है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का है क्या, निर्विकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन में क्या था, किस प्रकार की जो अनुभूति है धारणा के दायरे से परे है, धारणा के दायरे से परे की बात हो रही है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप अंदर जाने की कोशिश करिए। प्रत्यक्ष में क्या था, प्रत्यक्ष में आपके थ्री थ्री प्रिंसिपल या थ्री मीन्स ऑफ नॉलेज थे। प्रत्यक्ष के अंदर में आपका क्या क्या था, एक तो था आपका निर्विकल्प, दूसरा था आपका सविकल्प। निर्विकल्प का मतलब क्या, निर्विकल्प जो इस क्वेश्चन का आंसर है, निर्विकल्प में फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन होती है, किसी चीज को आपने देखा और पहली बार उसके माइंड में अगर आपने कोई धारणा बनाई वो बिल्कुल इंडिटरमिनेट होती है। जैसे कि आपके सामने दाल पड़ी हुई है, तो आपने दाल को देखा, आपको लग गया कि अच्छा दाल है, उसको जब आपने खाया तो पता चला कि इस दाल में नमक नहीं है, है ना। तो निर्विकल्प, निर्विकल्प जो प्रत्यक्ष क्या है, इज नॉट परसीवेबल थ्रू सेंसरी ऑर्गन, आप इसको सेंसरी ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकते, सेंसरी ऑर्गन से इसको आप परसीव नहीं कर सकते। यहां बात हुई थी किसकी, कॉग्निशन की बात हुई थी, कॉग्निशन की बात हुई थी। तो कॉग्निशन में आप जो अनुमति है इसको आप कॉग्निशन से परसीव कर सकते हो, उपमति को कर सकते हो, सविकल्प को कर सकते हो, लेकिन निर्विकल्प को नहीं कर सकते हो। मतलब यहां पे आपका सेंसरी ऑर्गन्स, अगर अनुमति की बात करें, अनुमान लगा रहे हो, बुद्धि का उपयोग कर रहे हो, आप थोड़ी से नॉलेज के बेस पे, आप थोड़े से नॉलेज के बेस पे क्या कर रहे हो, ज्यादा नॉलेज को, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। उपमान में भी आप क्या कर रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप अपने कहीं ना कहीं सेंसरी ऑर्गन्स का यूज कर रहे हो। यहाँ पे कॉग्निशन की बात हुई थी, कॉग्निशन का मतलब सेंसरी ऑर्गन की बात हो रही है। कॉग्निशन का मतलब क्या, कॉग्निशन का मतलब यहाँ पे आपके सेंसरी ऑर्गन्स की बात हो रही है। लेकिन निर्विकल्प एक ऐसा चीज है जहां पे आप सेंसरी ऑर्गन्स की बात नहीं होती है, आपने चीजों में इन्वॉल्वेशन आपका उतना नहीं होता है, आप चीजों को एक बार देखते हो, देखने के बाद में जब वो फर्स्ट स्टेप ऑफ परसेप्शन होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा आगे एक्सप्लेनेशन देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली क्या है। इसमें आगे थोड़ा सा आप पढ़िए,
तो इसमें क्या है कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष, ये आपका सेंसरी ऑर्गन्स इज नॉट परसीव थ्रू सेंसरी ऑर्गन, आप इसको सेंसरी ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकते, बट इट इज रिलेटेड टू परसेप्शन ऑफ माइंड, ये माइंड के परसेप्शन से रिलेटेड होता है, एंड सोल डायरेक्टली इट इज बियॉन्ड एम्बिट ऑफ परसेप्शन, ये परसेप्शन के एम्बिट से बियॉन्ड होता है। सच कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन इज नोन एज ईपीएस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जो हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी परसेप्शन अमंग द साइंटिस्ट ऑफ पैरा साइकोलॉजी। आगे क्या है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के अंदर में क्या था, जैसे सिक्स सेंस वाली बात हमने पढ़ी हुई थी, मतलब वहां पे आप टेलीपैथी की बात करते हो, साइको साइकोमीटर की बात करते हो, आप साइकी की बात करते हो, इंट्यूशन की बात करते हो। तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना आपको समझ में आया जो एक्सटर्नल और इंटरनल आपने पढ़ा हुआ था टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष के अंदर में। चलिए एक चीज क्लियर हुई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडियन फिलोसफी की बात करें तो न्याय एडवोकेट्स द थ्योरी ऑफ एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज लाइक परार्थ प्रमाणवाद। परार्थ और स्वार्थ की बात हो रही है, देखो यहाँ परार्थ की बात हो गई, दो पढ़ा था ना हमने, स्वार्थ पढ़ा था जब अपने बारे में आप सोचते हो, और फिर परार्थ पढ़ा था, ठीक है, परार्थ परार्थ और स्वार्थ की बात हो रही है। पहला क्या है, पहला पढ़ो क्वेश्चन, इंडियन फिलोसफी के अंदर में न्याय क्या एडवोकेट करता है, थ्योरी ऑफ एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज कॉल्ड परार्थ प्रमाणवाद। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मीमांसा एडवोकेट करता है सेल्फ वैलिडिटी की, सेल्फ प्रमाण की बात कर रहा है, सेल्फ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ओरिजिन एंड एज असर्टेनमेंट, मतलब जो नॉलेज आप आपका सेल्फ वैलिडेट करेगा, मतलब आप उसको वैलिडेट करोगे उस नॉलेज को, चाहे उसकी ओरिजिन को आप वैलिडेट करो, चाहे उसकी सुनिश्चितता को आप वैलिडेट करो, तो ये मीमांसा एडवोकेट करता है या नहीं करता है। एक स्टेटमेंट न्याय के बारे में था, एक स्टेटमेंट मीमांसा के बारे में था, तो मैंने आपको सेशन में न्याय के बारे में बताया था, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है न्याय के बारे में, मीमांसा के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, तो इस सेशन में मीमांसा के बारे में समझेंगे, वैसे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन वन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आप करेक्ट। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फटाफट से चलते हैं आगे। देखो ये हिंदी में था, हिंदी में भी एक बार देख लो, भारतीय दर्शन शास्त्र में न्याय ज्ञान की बाहरी वैधता के सिद्धांत की वकालत करता है, जैसे कि परार्थ प्रमाणवाद कहा जाता है, मीमांसा ज्ञान की जो उत्पत्ति है और उसका निर्धारण है दोनों के संबंध में स्वयं की वैधता की बात हो रही है, स्वयं की वैधता की वकालत करता है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आगे देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन देखो, न्याय हमने पढ़ा था ये संस्कृत वर्ड है, न्याय का मतलब होता है रूल या मेथड, ये सिक्स्थ सिस्टम है दर्शन शास्त्र का, अगर हम बात करें न्याय इंडियन फिलोसफी के अंदर में, जो आपके लॉजिक को स्टडी करता है, या एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक माने तर्क और एपिस्टेमोलॉजी माने ज्ञान मीमांसा, यहाँ ज्ञान मीमांसा की बात हो रही है, ठीक है, मीमांसा। अब आगे क्या है, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्याय सिस्टम, न्याय सिस्टम का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था, इट्स वर्किंग आउट इन प्रोफाउंड डिटेल ऑफ मीन्स ऑफ नॉलेज थ्रू एज इन्फरेंस, मतलब अनुमान के आधार पे आप क्या करते हो, इन्फरेंस निकालने की कोशिश करते हो, या नॉलेज को अर्जित, ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करते हो। इसमें क्या है, लाइक अदर सिस्टम्स और जितने भी स्कूल्स हैं उनके तुलनात्मक अगर देखा जाए तो जो न्याय है वो ज्यादा दार्शनिक है और ज्यादा व्यवहारिक है, दार्शनिक है, साथ में ज्यादा रिलीजियस है, धार्मिक माना जाता है। क्यों, इट्स अल्टीमेट कंसर्न इज टू ब्रिंग एन एंड टू ह्यूमन सफरिंग, क्योंकि न्याय का जो एक अल्टीमेट कंसर्न है वो ये है कि न्याय करना, मतलब कि अगर कोई मानव किसी चीज से सफर कर रहा है या परेशान है तो उसको उसको कहीं ना कहीं हेल्प करना, ह्यूमन सफरिंग्स से बाहर निकालना, उसके उसके दोषों को या उसको एक जस्टिस प्रोवाइड करना। न्याय का शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या होता है, आप किसी को क्या कर रहे हो कि सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हो या उसके साथ जस्टिस करने की बात कर रहे हो, जिस भी चीज में जिस भी फील्ड में वो परेशान है, विच रिजल्ट फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ रियालिटी। आगे क्या, लिबरेशन इज ब्रॉट अबाउट अबाउट थ्रू द राइट नॉलेज, यहाँ पे लिबरेशन की बात हो रही है, मतलब मनुष्य की मुक्ति की बात हो रही है, अगर आपको सही ज्ञान मिलेगा तो ही आपकी जो आत्मा है उसको मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर परार्थ प्रमाणवाद की बात करें तो ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि न्याय एडवोकेट करता है एक्सट्रेंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज कॉल्ड परार्थ प्रमाणवाद। अब दूसरा आगे इसमें क्या है,
न्याय इज कंसर्न विद द मीन्स ऑफ राइट नॉलेज, राइट नॉलेज से कंसर्न है क्या न्याय. दे फर्दर मेंटेन दैट नॉलेज इज नॉट इंट्रिंसिकली वैलिड, नॉलेज इंट्रिंसिकली आंतरिक रूप से वैलिड नहीं होता, बट बिकम्स सो ऑन अकाउंट ऑफ एक्सट्रानियस कंडीशन, बाहरी जो कंडीशन है उसके आधार पर भी हम न्याय करते हैं, जिसको आपने बोला था क्या परार्थ प्रमाण, ड्यूरिंग बोथ वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी, जो हमने पढ़ा था परार्थ, मतलब आप दूसरों के लिए जब कुछ कर रहे हो ना, दूसरों के बेनिफिट के लिए आप कर रहे हो. न्याय स्कूल के अंदर में 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज थे जो हमने पढ़ा था. पहला था प्रत्यक्ष, दूसरा था अनुमान, तीसरा था उपमान और चौथा था शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी. इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है. अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, मीमांसा क्या एडवोकेट करता है, सेल्फ वैलिडिटी, जब जो नॉलेज आपको प्राप्त करना है उसकी सेल्फ वैलिडिटी को एडवोकेट करता है. बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन, जो ज्ञान की ओरिजिन की बात हो रही है और उसकी सुनिश्चितता की बात हो रही है, उसकी वैलिडिटी, उसका जो सत्यापन है वो व्यक्ति खुद करे, तो उसको बोलेंगे क्या मीमांसा. उसको थोड़ा सा देखो, मीमांसा क्या है, मीमांसा का जो संस्कृत वर्ड है वो है रिफ्लेक्शन. किसी चीज को जब आप रिफ्लेक्ट करते हो, या क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब गंभीर रूप से आप किसी चीज के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन करते हो, छानबीन करते हो, पड़ताल करते हो, मीमांसा, मीमांसा, ठीक है. तो यहां पे क्या होता है, जब आप क्रिटिकली सच्चाई को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हो. अब इसमें क्या है, इसमें कुछ रूल्स दिए गए, सेट ऑफ रूल्स हैं वेद के अंदर में. तो आगे पढ़ो, इसमें क्या है, सिक्स सिस्टम दर्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी. अच्छा, मीमांसा प्रोबेबली द अर्लिएस्ट ऑफ सिक्स, द फंडामेंटल टू वेदांत. ये वेदांत का फंडामेंटल है, मौलिक है, मतलब मीमांसा के ही आधार पे कहीं ना कहीं वेदांत है. हमने पढ़ा था ना मीमांसा, पहले था आपका मीमांसा, फिर मीमांसा के बाद में था आपका वेदांत, ठीक है. उसको आपने उत्तर वेदांत, उत्तर मीमांसा के भी नाम से जाना था वेदांत को. तो वेदांत का ये क्या है, फंडामेंटल है. ये मीमांसा वेदांत का फंडामेंटल है, मतलब बहुत सारी चीजें जो इसमें लिखी हुई है वो इसमें भी फॉलो हुई है. आगे क्या है, द एम ऑफ मीमांसा, मीमांसा का एम क्या था, ये रूल्स प्रोवाइड करता है वेदास, वेद, वेद का जो इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, व्याख्या, वेदों के अंदर में जो चीजें व्याख्या हुई हैं उसके लिए ये कुछ नियम और कानून की बात करता है. द अर्लिएस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म एंड टू प्रोवाइड फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन, दर्शनवादी जस्टिफिकेशन, न्याय से संबंधित इसमें चीजें लिखी हुई, जैसे वेद में क्या क्या रिचुअल्स माने जाए, क्या रीति रिवाज, परंपरा, परंपराओं के बारे में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, कौन कौन से रूल फॉलो होने चाहिए, मीमांसा के अंदर में चीजें लिखी हुई हैं. आगे देखो, मीमांसा का गोल क्या है, मीमांसा का गोल है कि धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जा सके और लोगों को ऑब्लिगेशंस माने कि रीति रिवाज, जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में बताया जा सके और एक दुनिया में हारमोनी स्थापित करने के लिए इनका, मीमांसा का, इस स्कूल ऑफ थॉट का यही एक सबसे बड़ा गोल था कि हम वर्ल्ड में हारमोनी को स्टैब्लिश करना चाहते हैं. देखिए, धर्म एक ऐसी चीज है जो कि तर्क का विषय नहीं है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, धर्म किसी तर्क का विषय नहीं है. और वेदों की अगर बात करें तो मीमांसा क्या है, वेद को अथॉरिटी एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट करता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ज्ञान मीमांसा के अंदर में जो फैक्ट बेस्ड है. तो इसकी बात करें, अगर मीमांसा की बात करें, यहाँ पे जो लास्ट चीज लिखी हुई है, जो मीमांसक होते हैं, मतलब फॉलोअर ऑफ मीमांसा, वो एडवोकेट क्या करते हैं, सेल्फ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, कि जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है आप उसको सेल्फ वैलिडेट कर लो, मतलब कि स्वयं सत्यापित कर लो. बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब उसकी उत्पत्ति भी के बारे में भी आप स्वयं सत्यापित करिए, और ज्ञाप्ति के भी बारे में, एसर्टेनमेंट के बारे में भी. ये सब चीज थोड़ी सी पढ़ने वाली है, समझने वाली है, इसीलिए जो स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट सेकंड है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है. थोड़ा सा आप लोग पढ़ोगे, हो सकता है एक बार आपको ना समझ में, दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अब क्या है कि ये यूनिक इपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी को फॉलो करता है, मतलब कि यूनिक जो ज्ञान मीमांसा की थ्योरी इसको फॉलो करता है, ऑफ ऑल इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ कॉग्निशन एज सच. चलिए, इप्सो फैक्टो ट्रू, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लो, ये वाला थोड़ा सा वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, इप्सो फैक्टो ट्रू. इसका मतलब क्या है, स्वतः प्रमाणवाद, किसी चीज को जब आप स्वतः प्रमाणित करते हो, सेल्फ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, सेल्फ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज की बात होगी तो ज्ञान मीमांसा की बात हो जाएगी, ठीक. तो इप्सो फैक्ट ट्रू, स्वतः प्रमाणवाद या सेल्फ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, यहाँ पे अगर इस तरीके की बात होगी तो ज्ञान मीमांसा की बात हो जाएगी. आई होप कि आपको कुछ चीजें इसमें समझ में आई होगी. ज्ञान मीमांसा में धर्म के बारे में इनलाइटमेंट की भी बात होती है. अब अगला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश करिए. इन टर्म्स इंडियन लॉजिक, द हिल हैज ए स्मोक, हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ फायर, ठीक है.
इनवेरिएबली एसोसिएटेड, माने व्याप्ति की बात हो रही है, यानी व्याप्ति की बात हो रही है, और जहां हेतु होता है वहां व्याप्ति होती है, हमने ऐसा पढ़ा था, इज कॉल्ड वॉट? प्रतिज्ञा और प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल कॉनकॉमिटेंस टुगेदर विथ एन एग्जाम्पल, उपनय, या उपनय का मतलब क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल कॉनकॉमिटेंस टू द प्रेजेंट केस, या कंक्लूजन या निगमन। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, हमने कुछ उसमें पांच पढ़ा हुआ था, अगर आपको वो याद होगा तो आपको याद होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दीजिए। द फायर की बात हो रही है, द हिल हैज स्मोक की बात हो रही है, द हिल हैज स्मोक की बात हो रही है। अब देखिए इसमें क्या है, द हिल हैज स्मोक, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से इसको, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए। यहाँ पे दीज फाइव प्रोपोजिशन, इंडियन सिलॉजिज्म के अंदर में फाइव प्रोपोजिशन दिए गए हैं, जिनको फाइव मेंबर्स भी बोला गया हुआ है। पहला क्या है, द हिल हैज अ फायर की बात हो रही है बिकॉज इट हैज अ स्मोक, है ना, द हिल हैज अ फायर बिकॉज इट हैज अ स्मोक की बात हो रही है। सो वॉट एवर हैज अ स्मोक हैज फायर, इसीलिए जो भी वॉट एवर हैज स्मोक हैज अ फायर, एक तरीके का उदाहरण है। तो पहला तो हो गया प्रतिज्ञा, दूसरा हो गया हेतु, तीसरा हो गया उदाहरण, चौथा हो गया उपनय, द हिल हैज अ स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ फायर, तो उपनय, और पांचवा हो गया देयरफॉर हिल हैज अ फायर। अब ये एग्जाम्पल एज इट इज ऐसे ही पूछेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछा था क्या, द हिल हैज अ स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ फायर। अब देख लो ये स्टेटमेंट आपका कहां कौन से पॉइंट में मिल रहा है, ये स्टेटमेंट मिल रहा है फोर्थ पॉइंट पे, द हिल हैज अ स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ फायर, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो उपनय हो जाएगा। मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर क्या बताया, प्रतिज्ञा बोला ना, तो प्रतिज्ञा एक्चुअली देखिए, प्रतिज्ञा यहाँ पे प्रोपोजिशन की बात हो रही है, प्रतिज्ञा का मतलब द हिल हैज अ फायर की अगर बात होगी तो सिर्फ प्रतिज्ञा हो जाएगा। यूनिवर्सल कॉनकॉमिटेंस की बात हो गई तो यूनिवर्सल कॉनकॉमिटेंस माने कि व्याप्ति की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री, उपनयन, द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल कॉनकॉमिटेंस टू द प्रेजेंट केस। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थ्री, उपनयन, द हिल हैज अ स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ फायर, दैट्स कॉल्ड उपनय। सो आप ये अच्छे से, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको अच्छे से पढ़ लो, इसी एग्जाम्पल से ही आपको क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि यही एग्जाम्पल आपका बार बार इसी यही एग्जाम्पल ही यूज होता है, ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, केवल वही व्यतिरेकी फ्रॉम द इन्फरेंस इज दैट व्हेन द मिडिल टर्म इज डिफरेंटियम फ्रॉम द माइनर टर्म। दूसरा है, केवल एन वही फॉर्म ऑफ इन्फरेंस इज दैट व्हेन मिडिल टर्म इज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म। मैंने आपको बताया था, बताइए, केवल वही व्यतिरेकी की बात हो रही है व्हेन मिडिल टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द माइनर टर्म। केवल एन वही की बात क्या हो रही है, मिडिल टर्म पॉजिटिवली और नेगेटिवली जब रिलेटेड हो मेजर टर्म्स है। देखिए इसको इंग्लिश हिंदी में देखिए पहले, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, केवल वही व्यतिरेकी फॉर्म ऑफ इन्फरेंस इज दैट जब मिडिल टर्म माइनर टर्म से अलग होगा, केवल व्यतिरेकी की बात होगी, जो मिडिल टर्म होगा आपका वो माइनर टर्म से क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंशियम होगा। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ कि केवल ने वही रूप का अनुमान दिया है कि जब मध्य पद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रमुख पदों से संबंधित हो, ठीक, तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लो, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। केवल वही व्यतिरेक के अनुमान क्या था, इसमें क्या था, जो मिडिल टर्म होता है इज डिफरेंट फ्रॉम दी माइनर टर्म एंड ऑलवेज नेगेटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म। केवल वही व्यतिरेकी की बात हो रही है, नेगेटिवली रिलेटेड होता है मेजर टर्म से, ठीक, डिफरेंट होता है, मतलब माइनर टर्म से हमेशा डिफरेंट होगा मेजर टर्म, और हमेशा नेगेटिवली रिलेटेड होगा, मतलब जो रिलेशन की बात होगी वो नेगेटिव रिलेशन की बात होगी, जो मैंने आपको बताया था। जैसे आगे क्या है, देयरफॉर द टर्म्स अग्री विथ अग्री ओनली इन द एब्सेंस व्हेन व्याप्ति बिटवीन मिडिल एंड मेजर इज डिराइव फ्रॉम यूनिफॉर्म। ये सब छोड़ दो, ये सब तो गड़बड़ चीज है। एग्जाम्पल देखो, ऑल नोएबल्स ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल, अ बेस इज
नोएबल ऑब्जेक्ट, देयर फॉर वेस इज नेमेबल। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना, वो नेगेटिव रिलेशनशिप कहीं ना कहीं शो हो रहा है, इसमें जो नेगेटिव रिलेशनशिप शो हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, केवल ने वही का एग्जाम्पल क्या था, यहाँ पे क्या है, जो मिडिल टर्म है वो हमेशा पॉजिटिवली एसोसिएटेड होगा किससे, मेजर टर्म से। द इन्फरेंस अकर्स व्हेन मिडिल टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म। केवल ने वही की बात हो रही है, तो केवल ने वही जो होगा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिवली एसोसिएशन की बात होती तो ये ठीक हो जाता, लेकिन पॉजिटिव के साथ इन्होंने नेगेटिव भी बोल दिया, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये गड़बड़ हो गया। सिर्फ पॉजिटिव की बात होती तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाता। अब थोड़ा सा इसमें आगे देख लो, ऑल फिजिकल क्रिएचर्स आर मॉर्टल, विकास इज अ क्रिएचर, हेंस विकास इज अ मॉर्टल। ऑल फिजिकल जितने भी क्रिएचर है वो क्या है, मॉर्टल है। अब विकास क्या है, विकास इज अ क्रिएचर, इज अ विकास क्रिएचर है इसलिए वो मॉर्टल है, ठीक है। तो ये एक जो रिलेशनशिप जो शो कर रहा है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। टू टर्म्स अग्री ऑन ओनली इन द प्रेजेंस एंड देर इज नो नेगेटिव इंस्टेंस। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव इंस्टेंस की बात नहीं हो रही है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है। चलिए अगला छठा प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ एरिस्टोटेलियन सिलॉजिज्म। एरिस्टोटल सिलॉजिज्म का मतलब ये वेस्टर्न सिलॉग्स की बात हो रही है, जो वेस्टर्न सिलॉग्स था उसकी बात हो रही है। इट इज अ डिडक्टिव इंडक्टिव एंड फॉर्मल मटेरियल, इट इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल, मेजर एंड माइनर टर्म्स स्टैंड अपार्ट इन द प्रीमाइसेस, इट इज वर्बिलिस्टिक, वर्बल फॉर्म इज नॉट द एसेंस ऑफ इन्फरेंस। इसमें से क्या सही है? हिंदी वाला देख लो एक बार, अब देखो ये सारे क्या है, फीचर्स हैं किसके, एरिस्टोटेलियन सिलॉजिज्म के, वेस्टर्न सिलॉजिज्म के फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है, एरिस्टोटेलियन सिलॉजिज्म इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल, ये डिडक्टिव है एंड फॉर्मल है। अब देखो यहां पे क्या है, इट इज डिडक्टिव इंडक्टिव एंड फॉर्मल मटेरियल। पहला स्टेटमेंट क्या था, डिडक्टिव एंड फॉर्मल, इंडक्टिव की यहां बात नहीं हुई है, तो डिडक्टिव एंड फॉर्मल की बात हुई, मैंने बी ठीक है, इट इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गया। तो मतलब बी होगा, अब जिसमें बी नहीं है वो एलिमिनेट कर दो, मतलब इसमें बी नहीं है तो एलिमिनेट कर दो, इसमें बी नहीं तो एलिमिनेट कर दो। अब या तो ये सही होगा या तो थ्री सही होगा। अब आगे देखो क्या है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एरिस्टोटेलियन सिलॉजिज्म इज वर्बलिस्टिक, ये वर्बलिस्टिक होता है, ठीक। अब वर्बलिस्टिक होता है तो देख लो, इट इज वर्बलिस्टिक, मतलब बी भी सही है और डी भी सही है, आपका बी सही और डी सही है। अब बी सही है बी मिल गया, डी सही है डी मिल गया। अब देखो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका डी है या नहीं है, तो ये गड़बड़। ऐसे आप ना इस तरीके से जब करोगे ना, मतलब एलिमिनेशन मेथड से, तो आपके आंसर बिल्कुल ठीक होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में थर्ड सही हो गया, लेकिन आगे क्या, पूरे फॉर्म देख लो, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। एरिस्टोटेलियन सिलॉजिज्म, द मेजर एंड द माइनर टर्म्स स्टैंड अपार्ट इन द प्रीमाइसेस, जो मेजर टर्म होगा और जो माइनर टर्म होगा वो अपार्ट होगा, मतलब बहुत दूर होगा प्रीमाइसेस में, स्टेटमेंट में। दो दे आर कनेक्टेड बाय मिडिल टर्म, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे किसे, मिडिल टर्म से, मतलब हेतु से आपस में कनेक्टेड होंगे। बात समझ में आई? चलो तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखो, द मेजर एंड माइनर टर्म्स स्टैंड अपार्ट इन द प्रीमाइसेस, ठीक। तो ये डी सी वाला भी सही हो जाएगा, तो ऐसे हमारा जो ऑप्शन थ्री है वो सही हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करना है कुछ कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट कौन से स्कूल के हैं आपको ये बताना है। अभाव की बात किस स्कूल में हुई है, अनुपलब्धि की बात किस स्कूल में हुई है, अपोह की बात किस स्कूल में हुई है, और स्यादवाद की बात किस स्कूल में हुई है। आपके सामने यहाँ पे कोड है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सबसे पहले समझिए, अभाव की बात हुई है न्याय स्कूल में, तो इसकी बात हुई कहाँ, न्याय स्कूल में। अनुपलब्धि की बात हुई है वेदांत के अंदर में, वेदांत के अंदर में अनुपलब्धि की बात हुई है। अपोह की बात हुई है बुद्धिज्म के अंदर में, और स्यादवाद की बात हुई है कहाँ, जैनिज्म के अंदर में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थ्री हो जाएगा।
अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए, अभाव का मतलब किसी चीज में जब नॉन एग्जिस्टेंस की बात हो रही है या एब्सेंस की बात हो रही है। तो ये न्याय स्कूल के अंदर में आपको अभाव के बारे में बात हुई, बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना इतना पढ़ लो कि किस कंसेप्ट के बारे में किसी स्कूल में बात हुई है। अब आगे इसमें क्या है, अनुपलब्धि की अगर बात करें तो अनुपलब्धि की बात कहाँ हुई है, अद्वैत वेदांत के अंदर में हुई है, और अपोह की बात कहाँ हुई है, बुद्धिस्ट अप्रोच के अंदर में हुई है, स्यादवाद की बात कहाँ हुई है, जैन मेटाफिजिक्स के अंदर में हुई है, या जैन का जो स्कूल ऑफ थॉट था वहां पे साध्यवाद की बात हुई है। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट और स्कूल का नाम याद रखना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सीक्वेंस बताना है आपको कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस ऑफ न्याय फिलोसफी। न्याय फिलोसफी के अंदर में इसका सीक्वेंस बताना है, आकांक्षा योग्यता तात्पर्य और सन्निधि का आपको बताना है, क्या एक सीक्वेंस करेक्ट आंसर आपको चूज करना है इस ऑप्शन के बेसिस पर। आकांक्षा योग्यता तात्पर्य और सन्निधि, तो पहले पे आपका आकांक्षा है, दूसरे पे योग्यता है, तीसरे में है आपका सन्निधि, और चौथा है आपका क्या, तात्पर्य। तो ए बी डी और सी हो जाएगा, तो ए बी डी और सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी और डी। अब आकांक्षा क्या है, आकांक्षा मतलब कि लॉजिकल सेंटेंस आपका जब बने तो उसको आकांक्षा बोलेंगे, ये आपके शब्द के अंदर में था कि जो लौकिक आपका दो था ना, एक तो था आपका क्या लौकिक था और दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका था वैदिक। तो वैदिक आप्तवाक्य की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे पर्सन जो कि ट्रस्ट वर्दी होंगे उनकी बात हो रही है आप्तवाक्य के अंदर में, तो जो वैदिक बातें करेंगे उनकी बातों को हम ट्रस्ट करेंगे, जो लौकिक होंगे अगर वो इन कंडीशन को फुलफिल करेंगे तब तो हम उनकी बातों पे ट्रस्ट करेंगे। तो आकांक्षा की अगर बात करें तो लॉजिकल सेंटेंस होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, सन्निधि होना चाहिए मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए जो भी वाक्य बोले जा रहे हैं, और तात्पर्य निकला चाहिए मतलब कॉन्टेक्स्ट की बात होनी चाहिए। ये तो कुछ चार आपके पांच चार आपके क्या थे, सीक्वेंस थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आयुर्वेद विच डील्स विथ इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कुड बी ट्रेस्ड टू वॉट। आयुर्वेद जो कि डील करता है क्या इंडिजिनस मतलब भारतीय की बात हो रही है, या स्वदेशी प्रणाली से किस मेडिसिन से, मतलब आयुर्वेद जो चिकित्सा की स्वदेशी प्रणाली से संबंधित है, तो इसमें से किस में कौन से वेद में उस बात का पता लगता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अथर्ववेद में पता चलता है। बाकी और वेदों की अगर हम बात करें, तो ऋग्वेद में किसके बारे में पता चलता है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड प्रेयर मतलब मंत्रों के बारे में और प्रेयर्स के बारे में ऋग्वेद में लिखा हुआ है जो काफी ओल्डेस्ट है। सामवेद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिकल हाइम्स म्यूजिकल मंत्र के बारे में लिखा हुआ है। यजुर्वेद के अंदर में किस प्रकार से प्रेयर करना है, रिचुअल्स परंपराओं के बारे में ये लिखा हुआ है, और अथर्ववेद में आपको मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिलती है, जो इंडियन साइंस के अंदर में जो भारतीय मेडिसिन का इस्तेमाल होता है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है, जैसे फिजिकल या कोई मेंटल डिजीज वगैरह होगी उसके बारे में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 है और आज के सेशन का लास्ट सवाल है, उपनयन या उपनय उपनय इंडियन न्याय सिलॉजिज्म के अंदर में कॉरेस्पॉन्डेंस टू विच ऑफ द एरिस्टोटेलियन सिलॉजिज्म। तो जो आपके एरिस्टोटेलियन सिलॉजिज्म है उसमें मेजर प्रिमाइज, माइनर प्रिमाइज और कंक्लूजन होता है, तो उपनय की बात करें तो भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार उपनय किन के अंदर में आता है, या उपनय को और क्या बोलते हैं, मेजर माइनर कंक्लूजन या दोनों ही बोला जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, माइनर प्रिमाइज हो जाएगा, माइनर प्रिमाइज को हम उपनय बोलते हैं। अब देखिए इसको यहां से आप समझ सकते हैं, इसमें न्याय सिलॉजिज्म के अंदर में 5 मेंबर्स होते हैं जो हमने पढ़े थे, ये आपको याद करना होगा, पहला है प्रतिज्ञा, फिर है हेतु, फिर उदाहरण है, फिर उपनय है और फिर निगमन है। उपनय की बात करें तो ये यूनिवर्सल कॉनकॉमिटेंस की बात करता है, यूनिवर्सल व्याप्ति की बात करता है। एग्जाम्पल दिया है, द हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ फायर। अगर स्मोक है तो इट मीन्स कि वहां पे फायर होगा, या फायर अगर है तो फायर के पहले स्मोक होता है, ये आपका इनवेरिएबली एसोसिएशन है, किसका, स्मोक का एसोसिएशन है फायर के साथ में, तो स्मोक इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ फायर। तो यहाँ पे उपनय जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे मेजर को क्या बोलते हैं, साध्य बोलते हैं, माइनर को क्या बोलते हैं, पक्ष बोलते हैं, हेतु आपका मिडिल टर्म होता है, ठीक। तो उस हिसाब से जो उपनय हो जाएगा, उपनय क्या हो जाएगा, उपनय आपका माइनर, देखो उपनय इन इंडियन सिलॉजिज्म कॉरेस्पॉन्डेंस टू विच ऑफ दी पक्ष, विच ऑफ दी पक्ष इन और द माइनर, तो आपका क्या हो जाएगा, उपनय को आप क्या बोलोगे, क्योंकि आपका माइनर से बिलोंग करता है, माने पक्ष से बिलोंग करता है, माइनर को हिंदी में बोलेंगे, मतलब भारतीय तर्कशास्त्र के अंदर में पक्ष के नाम से समझते हैं, तो एरिस्टोटलियन सिलॉजिज्म के अंदर में ये उपनय हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके कुछ 10 क्वेश्चन हमने किए, रिमेनिंग 10 क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, माने कल करेंगे या जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें कर लेंगे। बाकी सेशन आपको कैसा लगा जरूर से मुझे बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पैशनेट बनिए, अपना मोटिवेशन आप खुद बनिए, एंड आज का क्वेश्चन जो आपने किया 10 आउट ऑफ 10 आपके कितने सही बने ये भी जरूर से मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा।